कांग्रेस नेता ने आपकी पगड़ी को लात मारी थी, क्या था पूरा मामला, क्या बात थी जिसपे आप गए थे उनसे मिलने? यार मेहंदार होटल पे गयो शाम मारे थोड़ा नौकरी लगानो हो जो जान फागड़ी मिली दी लात की जो 100 रुपये जती पड़ी फागड़ी पूरी होटल में गुम्बी फागड़ी ठीक है। अरे पूरी राजस्थान की फागड़ी है और पूरी मेवाड़ की फागड़ी है, इन्हें भगवान की बराबर मानता जी फागड़ी ने आज बांधी हट बानो हनुमान जी कटर पहली बार से। तो उनसे क्या बात हुई हनुमान बेनीवाल जी से आज आप यहाँ पे आए हो? आया जी फगड़ी के ले आया हम, या फगड़ी के ले आया माट वैसे हाँ हनुमान बेनीवाल जी ने इस बात माँ की सम्मान है या माँ की माता को मोड है यो हाँ जो वहाँ का हाथ से फगड़ी ने आज माता भाषी में ली। तो उन्होंने आज दो साल बाद आज वापिस से आपने पगड़ी पहनी? हाँ 2 साल बाद में आज पगड़ी बंधी। क्यों 2 साल क्यों नहीं पहनी, क्या रही बात ऐसी? या कर आज हा मैंने कहा ना जलील कर मिलिया थाना ने कहना था घंटिया लगा लगा के थाना पे भेज दे गड्डियां कारा जलील कर मिलिया मकान बेगू थी बहुत भारी, कोई का मकान तोड़ दिया, कोई की दीवारा तोड़ दी, कोई का मंदिर मार दिया। क्या बात हुई कि मंदिर आप कह रहे कि मंदिर मार दिया हमें मार दिया, क्या बात हुई ऐसी? देवा गुजर की बहन है नी, तो माँ के राउत बाटा के मैया बिदुड़ी ने बोर दिया मैंने दिया मैंने और मारा परिवार ने दिया देवर जेठा ने सब ना एंट्री से गुजर बस्ती में जिताया और फिर मारा ही भाई देवा गुजर ने मारिया वो है ना। क्या बात हुई क्यों मारे? क्यों मारा वो उनका काम कर रहा देवा गुजर, तो बोले कि इनके गाड़ियाँ 20 गाड़ी साथ चल रही है उनकी, तो वो बोला कि ये बधाई बन जाएगी तो हमारे को नहीं बन जाएगी, जिसके लिए मारा और क्यों मारा, उसके पीछे अगर गाड़ी चलती देवा गुजर के वो किसी का बुरा नहीं किया, वो गरीब आदमी का साथ दी। नहीं तो अब जो अभी विधानसभा चुनाव है तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आएंगी फिर? 2 सालों ऊपर हो गया 2002 अभी जो विधानसभा चुनाव 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव है तो अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी फिर? कांग्रेस का तो ये राजस्थान की जो पकड़ी का अपमान किया है उस कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मेवाड़ में तो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे। कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो इसे दिल्ली से उठाकर मेवाड़ की जनता के ऊपर थोप देती है, वो पैसे के दम पे टिकट लेके आता है, लेकिन अब की बार मेवाड़ की जनता ने ठान लिया है वोट की चोट पे अपमान किया हमारी पगड़ी का और देवाजी का परिवार हमारे साथ है, दोनों का बदला मेवाड़ की जनता अब की बार राजेंद्र सिंह विदुड़ी से लेंगे और मेवाड़ के गांव-गांव डानी-डानी से यही आवाज है अब की बार मेवाड़ में दिल्ली नाम की चिड़ी कहीं नजर नहीं आएगी। और आप लोग क्या आरएलपी में शामिल हुए हैं? हमारे तो नीची है ऐसा नेता। नहीं तो आप लोग आरएलपी में शामिल हुए? हाँ मैं तो आरएलपी में। और क्यों नहीं आए मैं आरएलपी? और वो वहाँ मेवाड़ की जनता के आके सामने बोलता कि राहुल गांधी सचिन पायलट अशोक गहलोत मेरी जेब में रहते हैं और टिकट मैं जेब में लेके घूमता हूँ, पैसे के दम पे टिकट लाता हूँ, न तो अशोक गहलोत से मेरे कोई मतलब न सचिन पायलट से कोई मतलब, अब की बार हम देखते हैं कि टिकट पैसे के दम से लाते या जनता विधायक बनाते, मेवाड़ की जनता में वो आग फैल चुकी है, ये सिर का मोड़ है, ये बुजुर्ग आदमी आज 10 दिन से छुपता फिर रहा है, विधायक ने अपने नेता की अपने कुछ दलाल इसके घर पे भेजता है, ये छुपा फिर रहा है 10 दिन से मेरे साथ है, अब ये गरीब आदमी इसके पैसे का लोभ देके इसको भटका रहा है कि पैसा ले लो और वीडियो नकली बना दो कि मैं उस पगड़ी में नहीं, ये मेवाड़ की आन मान शान है, इस पगड़ी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, अगर वो ऐसो आराम सोचते तो महाराणा प्रताप कभी जंगल में नहीं जाते, हम इसका बदला मिट जाएंगे लेकिन इसका बदला हम राजेंद्र सिंह विदुड़ी से लेंगे, वोट की चोट से लेंगे, टिकट या लेके आ जाए, लेकिन मेवाड़ की जनता राजेंद्र सिंह विदुड़ी को कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।